हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो हम लोग गुणनखंड निकालना सीखेंगे। तो देखिए, गुणनखंड के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं जो कि बेसिक ही प्रश्न है। तो आज मैं सोचा गुणनखंड कराया जाए। काफ़ी दिन हो चुके थे गुणनखंड शायद मैंने काफ़ी दिनों से नहीं पढ़ाया था। तो यहाँ पर देखो कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 6 प्रश्न क्या हैं, अलग अलग टाइप के हैं। अब एक ही दिन में तो गुणनखंड के सारे प्रश्न कराए नहीं जा सकते। अगर करा भी दिए जाएं तो कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, कुछ चीज़ें नहीं। लेकिन अगर ऐसा करके आपको समझाया जाए कि बाबू देखो इस टाइप के कुछ प्रश्न हैं, इनको इस तरीके से सॉल्व किया जाता है, आज आप लोग इतना समझो, फिर अगले दिन आपको कठिन प्रश्न कराए जाएंगे, तो जब आप इतना चीज़ें सीखे रहोगे तो अगले दिन जो भी चीज़ बताई जाएगी तो आपको आराम से समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पर देखो पहला प्रश्न है, यक्स का पावर 2 प्लस 5 यक्स प्लस 6 है। अभी प्रश्न को देखो कैसे प्रश्न लिखा हुआ है। दूसरा प्रश्न है 48 प्लस 2 यक्स माइनस यक्स है, ये देखो अलग तरीके से लिखा हुआ है। इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है यक्स का पावर 2 प्लस 2 यक्स माइनस 15। अभी आप सभी प्लस देखे थे, अब यहाँ पे माइनस हो गया है। फिर इसके बाद 12x के पावर 2 माइनस 1 x माइनस 1, अभी सभी में क्या है, माइनस है। तो सारे प्रश्न आप देख रहे हो किस तरह के हैं। फिर ये दोनों कुछ अलग आपको दिख रहे होंगे, तो सब कुछ आपको समझाया जाएगा। बस ध्यान पूर्वक रफ कॉपी निकाल करके नोट करते हुए चलिएगा, पढ़ते हुए साथ में सभी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए आते हैं पहले सवाल। पहला सवाल है हमारा यक्स का पावर 2 प्लस 5 एक्स प्लस 6 लिखा हुआ है। जब भी ऐसा प्रश्न गुणनखंड का आपके सामने आएगा तो कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले देखना जब भी x के सामने कोई भी संख्या न लिखी रहे तो समझना क्या है, एक है। अब समझ लेना बस क्या है, एक है। इसके बाद आपको करना क्या है, ये जो लास्ट में संख्या लिखी है 6, तो 6 को आपको इस प्रकार से तोड़ना है। अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। अगर हम 6 को तोड़ते हैं 3 × 2 करके तो 3 दुना कितना होता है, 6 होता है। अगर हम 3 और धन 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं। अब देखो तोड़ना काफ़ी बच्चों को नहीं आता होगा, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से 6 लिख लेंगे। अब इसको छोटी संख्या से भाग देंगे 2 से, 2 × 3 = 6 होगा, और 3 से काटेंगे 3 × 1 = 3 होगा। अब यहाँ पर 2 और 3 आया है तो इसे हम लिखेंगे 2 × 3, तो 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसी से हम पता लगा लेंगे 2 × 3 6 हो गया, और 2 × 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसका लिखने का तरीका होता है, बस उसी चीज़ को आप समझ लो। अब जैसे यहाँ पर देखो 5x लिखा है, लेकिन आप 3 और 2 जोड़ोगे तब 5 होगा। तो 3 को आप क्या करना, 3x लिखना, और 2 को आप क्या लिख लेना, 2x लिखना। अब 3x और 2x जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, 1x का पावर 2 है तो चाहे आप 1x पावर 2 लिखो या इसको इस तरह से x का पावर 2 लिखो। आगे देखिए प्लस 5x, अब 5x की जगह पर सिर्फ इसी चीज़ को आपको लिखना है, तो कितना है, 3x प्लस 2x है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 3x प्लस कितना लिखेंगे, 2x। अब देखो 3x और 2x को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। अब प्लस 6 है तो इसको लास्ट में भी इस तरह से प्लस 6 लिखेंगे। चीज़ें समझ में आ गए होंगी तो काफ़ी मस्त बात होगी, यानी लाभदायक बात होगी कि जो चीज़ मैं बोला वो चीज़ आपको समझ में आ गई, और आप भी खुश हो गए होंगे कि जो चीज़ सर ने बोला वो हमको समझ में आ गई। आगे देखिए क्या है, अगले स्टेप में करना क्या होता है, x का पावर 2 प्लस 3x है, इन दोनों में आपको कामन खोजना पड़ेगा। कामन क्या होता है, जो दोनों में होता है। क्रिकेट आप लोग खेलते हो, जिस भी बालक को कामन बना दिया जाता है वो दोनों में बैटिंग कर सकता है। उसी तरह से अभी ध्यान देना 2x प्लस 6 में भी हम लोग कामन खोजेंगे। जो दोनों में होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कामन बनाते हैं, उसी को कामन बोलते भी हैं। चलिए अगला स्टेप हमारा क्या रहेगा, ध्यान देना, अगला स्टेप हमारा है यक्स का पावर 2 प्लस 3x में कामन क्या है। कामन मैंने बताया जो दोनों में हो उसी को कामन बोलते हैं। जैसे यक्स इसमें 2 बार है, इसमें 1x है। अगर कहीं पे यक्स का पावर 2 प्लस यक्स लिखा है, मैं पूछूं इन दोनों में कामन क्या है, तो आप क्या बताओगे, 1x कामन है कि 2x, तो कहोगे इसमें क्या है, 2x है लेकिन इसमें 1x है, तो कामन क्या होगा, 2x कामन होगा कि 1x, हमेशा बताना 1x कामन होगा। क्यों, क्योंकि देखो इसमें यक्स का पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 1x और 2x है, इसमें क्या है, 1x है, तो 1x इसका 1x इसका लेंगे तभी तो कामन होगा। अब यहाँ पर 1x बच रहा है लेकिन इसमें है ही नहीं, तो हम उस चीज़ को छोड़ देंगे। हमेशा देखना जैसे x का पावर क्या है, x का पावर 2 है प्लस x लिखा है, तो 1x इसमें है, इसमें 2x है, तो जिसमें कम बार x रहेगा उसी को लेके हम कामन बना लेंगे। एक चीज और ध्यान दो, जैसे यहाँ पर x का पावर 3 है प्लस यहाँ पर x का पावर 2 है। अब मैं आपसे पूछूँ x का पावर 3 और x पावर 2 में कामन क्या बनाओगे,
तो इसमें देखो दो एक्स है, इसमें तीन एक्स है, तो आप हमेशा दो एक्स को कॉमन लोगे। क्यों? क्योंकि इसमें आपको दो एक्स मिल जाएगा, इसमें तीन एक्स है तो इसमें भी दो एक्स मिल जाएगा, ये बच रहा है एक्स्ट्रा तो उसको हम छोड़ देंगे। इसी तरह से बस आपको समझना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यक्स को तो कॉमन ले लिए हैं, और कुछ कोई भी चीज़ कॉमन मिलेगा? यहाँ पर देखो तीन है, इसमें तीन नहीं है, ऐसी कोई संख्या भी नहीं है। अभी आगे बताता हूँ, जो मैं बताने वाला हूँ ना उस चीज़ को मन में रखा हूँ, अभी आगे बताता हूँ, वो इसमें समझ में आएगा। अब आपने यक्स कॉमन ले लिया, तो यक्स से यक्स पावर टू में भाग देंगे तो एक यक्स कटेगा, एक यक्स बच जाएगा। यक्स से थ्री यक्स में भाग देंगे तो यक्स से यक्स कटेगा, तीन बचेगा, तो यहाँ पर प्लस थ्री लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखो प्लस टू एक्स प्लस सिक्स लिखा हुआ है। अब इसमें कॉमन क्या है, इसमें यक्स है, इसमें यक्स नहीं है, तो यक्स कॉमन नहीं होगा। अब ऐसी संख्या जो दो को भी काट दे, छः को भी काट दे, वो क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी। यही मन में रखा था, जो मैं यहीं पर बताने वाला था, लेकिन यहाँ पर वो कंडीशन बन नहीं रहा था कि आराम से बताऊँ तो आपको समझ में आ जाए, वो कंडीशन यहाँ पर था। चलिए अब समझ में आ गया कि नहीं, अगर 2x प्लस सिक्स है इसमें कॉमन आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि न तो इसमें x है, इसमें x है ही नहीं, तो ऐसी संख्या जो दो को काट दे और छः को काट दे वो क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी। इसी तरह जब भी ऐसा कंडीशन आएगा हमेशा इसी तरह से सोचना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर प्लस जो भी चिन्ह रहेगा उस चिन्ह को इस तरह से उतार लेना। अब दो जो है दो को भी काट देगा, दो छः को भी काट देगा, तो दो को कॉमन ले लेंगे। जब दो को कॉमन ले लोगे तो इस तरह से ब्रैकेट लगाना, दो से दो कट जाएगा, बचेगा कितना यक्स, दो से छः को काटेंगे, दो तिहाई कितना हो जाएगा, छः हो जाएगा। अब अगला स्टेप में क्या होता है, जो चीज़ इस ब्रैकेट में है वही चीज़ इस ब्रैकेट में है, यानी x प्लस थ्री इसमें भी, x प्लस थ्री इसमें भी, यानी आप कैलकुलेशन सही साल की हो, कोई दिक्कत नहीं है, ना घबराना है ना डरना है। हम क्या करेंगे, अब देखो x प्लस थ्री इसमें भी है, बीच में देखो प्लस का चिन्ह है, x प्लस थ्री इसमें भी है, x प्लस थ्री इसमें भी है, हम क्या करेंगे x प्लस थ्री को कॉमन ले लेंगे। x प्लस थ्री को कॉमन ले लोगे तो x प्लस थ्री कट जाएगा, ये यहाँ पर बचेगा x, इसको इस ब्रैकेट में लिखोगे, x प्लस थ्री यहाँ से कट जाएगा, बचेगा प्लस टू, प्लस टू को यहाँ पर लिख लेना, बस यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका गुणनखंड है। एक x प्लस थ्री है, दूसरा x प्लस टू है। जब भी गुणनखंड का प्रश्न पूछेगा सेम इसी तरह से करना। पहला सवाल था, काफ़ी आराम से बताया हूँ, आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हर एक सवाल आपको समझाता जाऊंगा, आपको समझ में आता जाएगा, तो रफ कॉपी पे अच्छे से लिखते हुए चलिए। अब देखिए दूसरा प्रश्न आपको समझाता हूँ, ये वाला नहीं, ये वाला। क्यों? क्योंकि अभी ये वाला ना थोड़ा अलग है, तो अभी ये पहला प्रश्न समझो, फिर तीसरा प्रश्न समझो, फिर आपका दूसरा प्रश्न मैं समझाता हूँ, तब मजा आएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा बस अलग है, यानी झंझट हो जाएगा समझने में, तो आराम से समझे ना, इसको सीखेंगे तो वो अपने आप सीख लेंगे। चलिए यहाँ पर देखो x का पावर 2 प्लस 2x माइनस 15 है। जब भी ऐसा सवाल आए तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था अगर x के सामने कोई भी संख्या नहीं है तो ये जो 15 है 15 को हम क्या करेंगे, इस प्रकार से तोड़ेंगे। अगर यहाँ पर अब माइनस का चिन्ह है तो घटाने पे कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो हम तोड़ते हैं 15 को, अगर मान लो हम 3 गुणे 5 करते हैं तो 3 पचे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अगर आप 3 माइनस 5 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 2 आएगा। लेकिन आपको लाना क्या है, 2 लाना है, माइनस 2 नहीं, 2 लाना है। तब हम क्या करेंगे, ये जो 3 में से 5 घटाए थे माइनस 2 आया था, बस इसी को उल्टा कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, 5 माइनस 3 करेंगे, 5 में से 3 घटाओगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये जो 5 है इसे हम 5x लिखेंगे, और ये जो 3 है इसे हम -3x इस तरह से लिख देंगे। तो 5x में से 3x घटाओगे कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। बस इसी चीज़ की आपको क्या रहती है, आवश्यकता रहती है। सवाल को लगाते हैं, x का पावर 2 है तो x का पावर 2 लिखते हैं, इसके बाद प्लस 2x की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 5x -3x लिखेंगे। माइनस 15 है तो -15 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में मैंने क्या बताया था, इन दोनों में कॉमन खोजना है, फिर इन दोनों में, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें यक्स 2 बार है, इसमें यक्स 1 बार है, तो एक यक्स हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो यक्स से यक्स कटेगा तो एक यक्स इसका बच जाएगा, यक्स से यक्स कटेगा, यक्स से यक्स कट जाएगा तो बचेगा कितना, प्लस 5 बचेगा, तो प्लस 5 इस तरह से लिख लेंगे। अब इन दोनों में कॉमन खोजेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो यहाँ पर देख ध्यान देना, अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब 3x और 15 में कॉमन क्या है, इसमें x है, इसमें x नहीं है, तो x कॉमन नहीं मिलेगा।
इसमें देखो ऐसी संख्या जो 3 को भी काट दे, 15 को भी काट दे, वही कॉमन बन जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3 लिख लेंगे। 3 3 को भी काट देगा, 3 15 को भी काट देगा। तो जब 3 कॉमन ले लिए हो तो -3 से -3x में भाग दोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा कितना, x बच जाएगा। यही सारी चीज़ें बस ध्यान देनी है, वरना फट से गलत होगा। अगर यहाँ पर आप -x लिख देते तो गलत हो जाता। अब वही चीज़ फिर से करना है, -3 से -15 में भाग देना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। 3 से 15 काटेंगे, 3 पचे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब देखो x प्लस 5 इसमें भी है, x प्लस 5 इसमें भी है, यानी आपका कैलकुलेशन सही है। तो x प्लस 5 को हम लोग फिर से कॉमन लेंगे और ये पूरी तरह से कटेगा, इसमें बचेगा कितना x, ये भी पूरी तरह से कटेगा, इसमें बचेगा कितना -3 बचेगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा कैसे करोगे, सेम इसी तरह से करेंगे, कोई दिक्कत होगा ही नहीं। अब देखिए अगला प्रश्न समझाते हैं जो आपके लिए रखे हुए थे, कि ध्यान दीजिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, काफ़ी मस्त प्रश्न है। ऐसे प्रश्न जब भी पूछा जाता है तो बालक थोड़ा डरता है, लेकिन आप डरोगे नहीं। यहाँ पर देखो प्रश्न है 48 + 2x - x/2। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा गुणनखंड का तो उसे हम ax² + bx + c के रूप में रखेंगे, यानी इस रूप में होना चाहिए। लेकिन इसका स्वरूप देखें उल्टा है, x² पहले रहना चाहिए तो इधर आ चुका है, यानी इधर देख रहे हो ना कि इधर है, तो आपको इसको सही से रखना पड़ेगा। ऐसे भी लग जाएगा लेकिन आप सही से रखिएगा। जैसे ये क्या है, -x² है तो इसे हम लिखेंगे -x² फिर इसके बाद ये +2x है तो इसे हम लिख लेंगे +2x, इसके बाद ये 48 है इसे लिख लेंगे प्लस, इस तरह से 48 लिख लेंगे। अब आपको करना क्या है, माइनस से सभी में गुणा कर देना है। अब हम इसमें माइनस से गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो माइनस यहाँ पे लगा हुआ है इसी को हटा देंगे बस, और किसी लिए नहीं। अगर बाकी यहाँ माइनस होता तो हमें तकलीफ भी नहीं होता, हम नहीं हटाते, लेकिन माइनस यहाँ पे लगा दिया है तो पहले माइनस लगा अगर लगा रहेगा तो उसको हम हटा देंगे। किससे गुणा करेंगे तो हटेगा, अगर आप यहाँ पे माइनस है तो प्लस से गुणा करोगे तब हटेगा कि माइनस से, प्लस से गुणा करोगे तो माइनस ही रहेगा, लेकिन अगर माइनस से गुणा माइनस में कर दोगे तो प्लस हो जाएगा। तो वही चीज आपको करना है, हम क्या करेंगे इसमें माइनस से गुणा कर देते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस x² हो जाएगा। माइनस का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2x हो जाएगा। अब माइनस का गुणा इसमें कर दोगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, यानी जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो गया और जहाँ माइनस था वहाँ पर प्लस हो गया। अब हम इस चीज़ को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत हमको नहीं होगा। जब ऐसा कंडीशन रहेगा x² - 2x - 48 लिखा है तो 48 को इस प्रकार से तोड़ना है, अगर यहाँ पर माइनस के चिन्ह तो घटाने पर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अब जैसे 48 को आपको तोड़ना है, मुझे पता है 8 × 6 करूंगा तो 8 × 6 = 48 हो जाएगा, और 8 से 6 घटाएंगे तो 2 आ भी जाएगा। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो कैसे करोगे, ध्यान देना। इस तरह से आप क्या करोगे, 48 लिखोगे, उसका गुणनखंड निकालोगे 2 से, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, 2 से काटोगे 2 × 12 = 24, 2 से काटोगे 2 × 6 = 12, 2 से काटोगे 2 × 3 = 6, अब 3 से काटोगे 3 × 1 = 3। अब आपको यहाँ पे सेट करना पड़ेगा कि ऐसा हम कैसा सेट करें कि 48 का हम जब गुणनखंड करें तो घटाने पे कितना आना चाहिए, यहाँ पर 2x आ जाना चाहिए। अब 2x लाना है लेकिन यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो घटाने पे 2x लाना चाहिए। अभी और सारी चीज़ें बताता हूँ, बहुत सारी तकलीफ देगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें खोजेंगे बनाएंगे। अब यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर 2 × 2 × 2 करेंगे, 2 × 2 × 2 करेंगे तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद 2 और 3 बच रहा है, (2×3) बच रहा था तो 2 × 3 करेंगे, 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6। अगर आप 8 × 6 करोगे तो 8 × 6 कितना होता है, 48 होता है। तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा ना, तब भी ना आप गुणनखंड कर पाओगे। ये सब टॉपिक थोड़ा मस्त टॉपिक है। अब देखो अगर आप 8 में से 6 घटाओगे तो 2 आ जाएगा, बोला था घटाने के लिए तो हम घटा लेंगे। तो अगर लेकिन आप 8 में से 6 घटाओगे तो 2 आ जाएगा, लेकिन बात यहाँ पर है ये -2x लिखा हुआ है, तो बस आपको थोड़ा और दिमाग लगा देना है। अगर हम 8 में से 6 घटा रहे हैं तो 2 आ रहा है, वही चीज़ हम उल्टा करेंगे, 6 - 8 कर देंगे, 6 - 8 करोगे तो -2 आएगा, तो ये जो 6 है इसे हम 6x लिखेंगे, -8 को -8x लिखेंगे। अब 6x - 8x करो, -2x आएगा, बस इतना सा दिमाग लगा लेना है। अब ऐसे सवाल कब आएंगे आपको समझ में, जब इसी पे आधारित 3-4 सवाल आप लगाओगे, या इसी सवाल को आप 4-5 बार लगा लो, बस समझ में आ जाएगा। अब हम अपनी कहानी शुरू करते हैं, आगे की प्रक्रिया यानी जो भी चीज़ हमें करना है अब हम करते हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा बस। अब यहाँ पर देखो माइनस का चिन्ह लगा लो। अरे यार चलो, तुम कहे नहीं चल रहे हो,
हैंग वैंग हो रहा है का, अभी हम पूरा मिटाए फिर से तुम आ गए टप से। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह माइनस लगाओ। अब यहाँ पर यक्स का पावर टू है तो यक्स का पावर टू लिखो। माइनस टू यक्स की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, आठ गुड़े छः था, आठ गुड़े छः था ना, आठ गुड़े छः करोगे तो आठ छः अड़तालीस, या इसे आप छः गुड़े आठ करोगे तब पर भी हो जाएगा। तो हमें माइनस टू यक्स लाने के लिए छः माइनस आठ करेंगे, तो छः को हम क्या लिखेंगे माइनस सिक्स यक्स लिखेंगे, और आठ को क्या लिखेंगे माइनस एट यक्स लिखेंगे। बोला था घटाने पर, अरे भाई अरे भाई, यहाँ पर प्लस का चिन्ह बनाओ तब ना घटेगा। अब यहाँ पर यही चीज बोला था कि 48 को इस प्रकार से तोड़ना है कि अगर माइनस का चिन्ह तो घटाने पे दो आना चाहिए, लेकिन ये माइनस टू एक्स लिखा था। हमने क्या किया ध्यान देना, छः गुड़े आठ किया, छः अठे कितना होता है 48 होता है, और छः माइनस आठ किया माइनस दो आ गया। तो वही चीज, छः को हम क्या लिखेंगे प्लस सिक्स एक्स लिखेंगे, और माइनस आठ को माइनस एट एक्स लिखेंगे, बाकी माइनस 48 है माइनस 48 लिख लेंगे, ब्रैकेट खत्म। अगला हमारा जो भी काम रहेगा हम करेंगे ध्यानपूर्वक आराम से। अब x का पावर टू प्लस सिक्स एक्स में कामन खोजेंगे, इन दोनों में कामन क्या है जरा ध्यान देना। जब कामन खोजोगे तो इसको बड़का इस तरह से ब्रैकेट में लिख देना, जब इसमें कामन खोजोगे तो आपको x कामन मिलेगा, एक x कामन मिलेगा। अब x से x का पावर टू भाग दोगे तो x बचेगा, x से x कटेगा प्लस सिक्स बचेगा। अब उसी तरह से माइनस एट और माइनस 48 में कामन खोज लो, माइनस का चिन्ह माइनस लगाओ, आठ है तो आठ लिख लो, यानी आठ कामन बन जाएगा, आठ से आठ कट जाएगा, 48 भी कट जाएगा। तो 8 से 8 कटेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा यक्स, माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, 8 से 48 को काटोगे 8 छः 48 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, यक्स प्लस सिक्स इसमें भी, यक्स प्लस सिक्स इसमें भी है, हम क्या करेंगे यक्स प्लस सिक्स को कामन ले लेंगे। जब आप इसको कामन ले लोगे तो यहाँ पर आप ब्रैकेट इस तरह से लगाए रहो, ख़त्म भी कर सकते हो। जब आप यक्स प्लस सिक्स इस तरह, अरे भाई, जब आप यक्स प्लस सिक्स इस तरह से कामन ले लिए तो ये पूरी तरह से कट जाएगा, इसमें बचेगा यक्स, ये भी पूरी तरह से कट जाएगा, इसमें बचेगा माइनस एट, बस यहीं से आपका कहानी शुरू होगा। अब यहाँ पर देखो हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, चाहते तो यहाँ से मैं ब्रैकेट हटा देता तो यही आपका आंसर हो जाता, लेकिन थोड़ा और समझाता तो मजा आता ना। अब देखो x प्लस सिक्स एक ब्रैकेट में, दूसरे में x माइनस एट है, बीच में कोई भी चिन्ह नहीं तो मतलब गुड़े का चिन्ह है। जब ये आपस में गुड़े में हो और ऐसा कंडीशन रहेगा तो आपको करना क्या रहेगा, कुछ नहीं करना है। ये माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा दो, इसके बाद बड़ा ब्रैकेट हटा देना, यहाँ पर x प्लस सिक्स इस तरह से लिख देना, और इसमें क्या है x माइनस एट, x माइनस एट लिख देना, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछेगा सेम इसी तरह से करना। अब चलिए आपको अगला प्रश्न कराते हैं, चौथा पाँचवा छठवां, चौथा प्रश्न कराते हैं। अब थोड़ा फास्ट कराएंगे क्योंकि एक दो तीन प्रश्न आपको अच्छे से समझाया गया है। यहाँ पर देखो जब भी x के सामने कोई भी संख्या लिखी रहेगी तो उस संख्या का गुणा हम लास्ट वाले में करेंगे, तो 12 का गुणा एक में करोगे 12 होगा। अब इस 12 को इस प्रकार से तोड़ना है, अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो घटाने पर कितना आना चाहिए, एक आना चाहिए। अगर हम 12 को तोड़ते हैं तो कैसे तोड़ेंगे, 4 गुणे 3 करेंगे तो 4 तय कितना होगा 12 होगा। आपको इस तरह से नहीं तोड़ने आता था, आप इस तरह से इसका गुणनखंड करोगे, ध्यान दे आई बात है कितने। अब देखो अगर हम 4 गुणे 3 करेंगे तो 4 तिहाई 12 होगा, अगर 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, एक आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर माइनस 1 लाना है, हम बस कुछ नहीं करेंगे, 4 में से 3 घटा रहे थे तो एक आ रहा था, अब 3 माइनस 4 कर देंगे, 3 में से 4 घटाएंगे तो माइनस 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो 3 है उसी चीज को लिखना है, 12x का पावर 2 है तो 12x का पावर 2, 3 जो है उसे हम क्या लिखेंगे इस तरह से 3x लिख लेंगे प्लस 3x, और ये जो माइनस 4 है उसे हम लोग माइनस 4x लिख लेंगे, लास्ट में माइनस 1 है तो माइनस 1 लिखेंगे। अब हम कामन खोजेंगे, अब 12x पावर 2 और 3x में कामन क्या होगा, 3 जो है 3 को भी काट देगा, 12 को काट देगा, 3 कामन हो जाएगा, x 2 बार है, x 1 बार है तो x कामन हो जाएगा, 3 से 12 को काटो 3 चौके 12, अब यहाँ पर x से 1 x कट जाएगा, 1 x बचेगा, 3 से 3 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर 1 बचेगा। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह इस तरह से लगा लेंगे। अब कामन क्या है, इसमें और इसमें कामन कुछ भी नहीं है, तो जहाँ पर कामन कुछ भी ना मिले वहाँ पर एक कामन ले लिया जाता है। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, एक कामन ले लेंगे। अब माइनस 1 से इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 4x लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे। अब देखो 4x प्लस 1 इसमें भी है, 4x प्लस 1 इसमें भी है, तो हम क्या करेंगे 4x प्लस 1 को कामन ले लेंगे, तो ये पूरी तरह से कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा कितना 3x बचेगा, तो ये भी पूरी तरह से कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर माइनस 1 बचेगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा सेम इस तरह से करना। बचता है आपका पांचवा और छठवां प्रश्न, इसको भी कायदे से समझा दिया जाए। अब देखो आपका अगला प्रश्न है, कौन सा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, 2x के पावर 2 प्लस 9x माइनस 5 लिखा हुआ है। जब भी x के सामने कोई भी संख्या रहे उस संख्या को हम लास्ट वाले में करेंगे, तो 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब 10 को इस प्रकार से तोड़ना है, अगर माइनस का चिन्ह तो घटाने पे 9 आना चाहिए।
अब देखिए 10 को इस प्रकार से तोड़ना है कि घटाने पे कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। अगर हम 10 गुणे 1 करते हैं तो 10 एक के 10 हो जाएगा, और 10 में से 1 घटाओगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2x का पावर 2 है तो 2x का पावर 2 लिखेंगे, प्लस 9x की जहाँ पर 10 है तो यहाँ पर इसे 10x लिखेंगे, माइनस 1 है तो इसे हम माइनस 1x लिखेंगे, माइनस 5 है तो माइनस 5 लिखेंगे। बस कैलकुलेशन करो, इसमें कॉमन क्या है, 2 कॉमन मिल जाएगा, x कॉमन मिल जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, x से 1x कटेगा, 1x बचेगा, 2 से 10 काटेंगे, 2 पंचे 10 होगा, x से x कट जाएगा। इसमें कॉमन क्या है, माइनस का चिन्ह माइनस लगाओ, कॉमन क्या होगा, इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है तो 1 कॉमन ले लेंगे, तो माइनस 1 से इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1x लिखेंगे। अब यहां पर चाहे 1x लिखो चाहे आप x लिखो, माइनस से इसमें भाग देंगे माइनस माइनस प्लस होगा, 1 पंचे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी 5 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब हम देखो इस ब्रैकेट में भी x प्लस 5 है, उसमें भी x प्लस 5 है, तो x प्लस 5 को कॉमन लेंगे, ये कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा कितना, 2x बचेगा, ये भी पूरी तरह से कटेगा, माइनस 1 बचेगा, बस यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब ये सारे सवाल थोड़ा मैं फास्टेस्ट लिए बता रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने आपको चारों सवाल बहुत ही आराम से समझाया, शानदार तरीके से। अब चलिए लास्ट वाला सवाल समझाया जाए। अब देखिए ये लास्ट सवाल है, इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, आप भी खुश हो रहे होंगे, हम ही मनी मन खुश हो रहे होंगे, क्योंकि लास्ट सवाल है। अब जब भी यहाँ पर मैं बोला था माइनस नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, माइनस से गुणा करा देंगे सभी में। अब जब गुणा कराओगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5x पावर 2 हो जाएगा, माइनस का गुणा इसमें करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा। बस इसका गुणनखंड आराम से करते जाओ, आराम से हल होता जाएगा। अब यहाँ पर देखो x के सामने 5 है तो 5 का गुणा 4 में करेंगे, 5 चौक कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 को इस प्रकार से तोड़ो, अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह घटाने पे कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 5 चौके कितना होता है, 20 होता है, 5 गुणे 4 करोगे तो 5 चौके कितना होता है, 20 होता है। तो 5 में से अगर आप 4 घटाओगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट इस तरह से लगा सकते हो, यहाँ पर भी बड़ा ब्रैकेट इस तरह से कर सकते हो। अब यहाँ पर जो है 5x पावर 2 है तो 5x पावर 2 इस तरह से लिखो, x की यहाँ पर क्या लिखोगे, 5x माइनस 4x लिखोगे, आगे माइनस 4 है तो माइनस 4 लिख लो, ब्रैकेट बंद कर दो। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम कॉमन लेंगे, क्या कॉमन मिलेगा, 5x कॉमन मिलेगा, तो 5x इसको काटोगे तो यहाँ पर x बचेगा, 5x से ये पूरी तरह से कट जाएगा तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, जरा ध्यान देना, यहाँ पर माइनस से माइनस लिखो, 4x माइनस 4 में कॉमन सिर्फ 4 है, तो हम 4 को कॉमन लेंगे, माइनस 4 से माइनस 4 भाग देंगे तो यहाँ पर बचेगा x, माइनस माइनस प्लस होगा, यहाँ पर बचेगा 1, x प्लस 1 इसमें भी है, x प्लस 1 इसमें भी है, हम क्या करेंगे x प्लस 1 को कॉमन ले लेंगे। जब इसको कॉमन ले लोगे तो ये पूरी तरह से कटेगा, बचेगा कितना, यहाँ पर 5x बचेगा, ये भी पूरी तरह से कटेगा, यहाँ पर बचेगा माइनस 4 बचेगा। बस अब हम क्या करेंगे, ये जो माइनस का चिन्ह है ब्रैकेट लगा हुआ, इसको हटा फटा देंगे, यहाँ पे माइनस है, बाकी ये सारे आपस में गुणे में हैं, तो बस इसी तरह से लिख देना, x प्लस 1 लिख देना, इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 5x माइनस 4 लिख देना, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो जब भी इस तरह का सवाल देगा, सेम इसी तरह से कट करके सवाल को खाली हो जाना ध्यानपूर्वक। अब इन सवालों को 4-5 बार लगाओगे तो मजा आएगा, सवाल समझ में आएंगे। एक बार में कोई भी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, दोबारा तिबारा चौबारा पांचवा बार लगाने पे चीज़ें आ जाती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।